नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष जोशी। आज स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक लॉक खोलने वाले की स्टोरी है। वो एक्सपर्ट होता है, दुनिया के जितने भी लॉक्स होते हैं वो सारे उसने खोल दिए होते हैं बड़ी आसानी से। एक्सपर्ट होता है, उसको बहुत ही डीपली नॉलेज होती है लॉक के बारे में। तो धीरे धीरे करके वो अलग अलग लॉक कंपनियां उसको चैलेंज देती रहती हैं कि भैया हमने नया लॉक बनाया है, इसको खोल के दिखाइए। धीरे धीरे वो सारे लॉक आराम से खोल देता है। तो एक बार क्या होता है, कुछ सालों बाद एक कंपनी उसे बुलाती है कि भैया हमारा लॉक खोलिए और इसके बदले हम आपको एक बहुत बड़ा इनामी राशि भी देंगे, ठीक है। तो उसमें दो शर्तें होती हैं, एक तो आप चैम्बर के अंदर रहेंगे, चैम्बर के अंदर साइड से आपको लॉक खोलना पड़ेगा। दूसरी शर्त होती है कि वो चैम्बर स्विमिंग पूल के अंदर मतलब पानी में रहेगा, तो आपको आपकी सांस भी रोकनी पड़ेगी और लॉक भी खोलना पड़ेगा। और उस चैम्बर के अंदर एक अलार्म कि मतलब कह सकते हैं हम बेल के रूप में एक बटन होता है, रिंग बेल मतलब बटन होता है। अगर आपको कभी भी हार स्वीकार करनी हो, आपके बस का नहीं हो, तो क्योंकि भैया पानी के अंदर है, आदमी तो मर जाएगा, तो आप इस बटन को दबाइए, चैम्बर पानी से बाहर आ जाएगा। तो जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है इस चैलेंज को और चले जाते हैं। तो जितने भी मीडियाज होती हैं, जितने भी लोग होते हैं जो उसको देखने आए होते हैं एक्सपर्ट को, क्योंकि फेमस तो होता ही है, तो वो क्या करते हैं कि उस स्विमिंग पूल के चारों तरफ जमावड़ा हो जाता है कि भैया जब एक्सपर्ट बाहर आएगा लॉक खोल के, हम उसकी पिक क्लिक करेंगे, इनामी राशि लेते हुए इसकी पिक क्लिक करेंगे, क्योंकि फेवरेट तो वो सबका होता ही है। ऐसे लोग जो अपने काबिलियत के दम पे एक्सपर्ट बन जाते हैं वो सबके फेवरेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पानी के अंदर धीरे धीरे चैम्बर जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अपनी सांस भी रोकनी पड़ती है, अपने जितने भी हथकंडे होते हैं, जितने भी वो ट्राई कर सकता है, सारे ट्राई मार देता है लॉक पे, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता है। जितने भी वो वायर होती हैं, चाबीज होती हैं, सब ट्राई कर देता है, नहीं खुलता है लॉक। अंततः हार में उस हार जाता है। तो वो क्या करता है कि यार वो बेल दबा देता है, अलार्म आपातकालीन सायरन बजता है, चैम्बर पानी से बाहर आ जाता है। तो इतने लोग होते हैं जो उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, मीडियाज होती है फ़ोटो क्लिक करने के लिए खड़ी रहती है, तो उनसे वो नज़रें नहीं मिला पाता और एक कोने में बैठा रहता है। उसकी मतलब जो आंखें होती है ना, वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो नीचे की तरफ देख रहा होता है। इतने में क्या होता है, जैसे ही वो चैम्बर पानी से बाहर आ जाता है, तो जो दरवाजा होता है वो दरवाजे पे एक हल्का सा पुश मारता है और दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब क्या था कि जो लॉक वाली कंपनी थी, लॉक वाली कंपनी ने वो लॉक लगाया ही नहीं था, वो खाली दरवाजा ऐसे ही बंद था, कोई लॉक नहीं लगा था। भैया जब लॉक लगा होगा तभी तो खुलेगा ना, वो लॉक पहले से ही खुला हुआ था, वो खाली उसको खोलने का ट्राई कर रहा था। तो इसमें क्या था, उसको जब भी चैलेंज मिले थे इससे पहले, वो सिंगल माइंडेड था कि हाँ मेरे को लॉक खोलना है, वो डबल माइंडेड नहीं था। ये पानी वाला ट्विस्ट लाके उस लॉक कंपनी ने उसको डबल माइंडेड कर दिया। और उसका जो बेसिक्स होते हैं, देखिए हर चीज का बेसिक्स ये था कि उसको पहले ये देखना चाहिए था कि लॉक खुला है कि नहीं, और दरवाजा खोल के देख लेता तो वो उसी वैसे ही जीत जाता, उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, 2 सेकंड में बाहर आ जाता। लेकिन पानी वाला एंगल डाल के लॉक कंपनी ने उसको माइंड को डबल कर दिया और वो अपनी बेसिक्स को भूल गया। हम भी ऐसे करते हैं कि कभी भी दो प्रॉब्लम एक साथ आ जाती हैं तो हम बेसिक्स को भूल जाते हैं और कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं। कभी कभी कुछ ना करना भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप देखते होंगे लोगों को, लोग कहते हैं कि भैया हमेशा बिजी रहिए। नहीं, हमेशा बिजी रहना भी लाइफ का पार्ट नहीं है। कभी कभी खाली रहना, माइंड को शांत करना, कुछ पुराने ख्यालों को सोचना और कभी कभी बिल्कुल कुछ ना करना भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके आजकल कमेंट बहुत कम आ रहे हैं लोगों के, कुछ खास लोगों के कमेंट आते हैं, बाकियों के नहीं आते हैं। लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, यह बहुत जरूरी है। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।